एग्जाम शास्त्र में आपका स्वागत है। कृपया चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सीईएस यानी क्रेजी एग्जाम शास्त्र टॉप 15 जीके क्वेश्चन चलेगा और हमें फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलें इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। बुनियादी शिक्षा का विचार जो है सबसे पहले जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान बनाते समय जो है निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो ऑप्शन है स्वतंत्रता, समता, समाजवादी, न्याय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी को शामिल नहीं किया गया था। इसको शामिल 42वां संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासन काल के दौरान हटाया गया था? तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी सरकार, मोरारजी देसाई सरकार, नरसिम्हा राव सरकार, राजीव गांधी सरकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले वित्त आयोग का गठन जो है कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1950, 1951, 1952, 1954। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में। ये किस में अनुच्छेद कितना में वर्णित है? तो अनुच्छेद 280 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के पास जो है आपात अधिकार है कितने प्रकार का? तो ऑप्शन है 4 प्रकार का, 2 प्रकार का, 5 प्रकार का, 3 प्रकार का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 प्रकार का। तो कितना कितना अनुच्छेद में? तो 352, 356 और 360। यह हो गया राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, यह हो गया वित्तीय आपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ऑप्शन है अमेरिकी संविधान, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान, ऑस्ट्रेलियाई संविधान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन है 163, 166, 167, 168। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 167 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास जो है निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ है? तो ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक जो है शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है कोचीन, गोवा, महाराष्ट्र, विशाखापत्तनम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है चेन्नई, दिल्ली, मैसूर, हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसूर। और बेंगलुरु में जो है इसका मुख्यालय है, बेंगलुरु में। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन जो है कब किया गया था? तो ऑप्शन है 1953, 1962, 1974, 1988। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1953 में, 1953 में इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? तो ऑप्शन है नेपाल, मलेशिया, भूटान, मालदीव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल, मालदीव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्टिजेना प्रोटोकॉल जो है उसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन है जैव सुरक्षा समझौता से, प्रदूषण से, ओजोन संरक्षण से, जलवायु परिवर्तन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव सुरक्षा से, जैव सुरक्षा समझौता से। कब हुआ था? तो यह ईस्वी 2000 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन का कारण है? तो ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल, ऑप्शन डी। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कृपया वीडियो पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें।